नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो है चीनी क्रांति 1911 और सन यात्सेन, अर्थात चीनी क्रांति 1911 में सन यात्सेन का क्या योगदान रहा, यह हमारा टॉपिक है। और परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1911 की चीनी क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए तथा सन यात्सेन का इसमें क्या योगदान रहा। तो छात्रों, जो चीन की क्रांति है, चीन की क्रांति के बारे में आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में जो हमने अफीम युद्ध के बारे में अध्ययन किया था, अफीम युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि चीन में कई यूरोपियन देश थे, चीन उन यूरोपियन देशों के संपर्क में आ चुका था, जैसे अमेरिका के संपर्क में आ चुका था, वो ब्रिटेन के संपर्क में आ चुका था, रूस के संपर्क में आ चुका था, जर्मनी, पोलैंड, जो पुर्तगाल, इस प्रकार के जो यूरोपियन देश रशिया, तो ये सभी यूरोपियन देश थे, ये क्या है कि चीन में व्यापार कर रहे थे। छात्रों, चीन की जब क्रांति होती है, चीन की क्रांति के समय चीन में मंचू राजाओं का राज्य होता है, और मंचू जो शासक है, मंचू शासक 17वीं शताब्दी में चीन में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं तथा 1911 ईस्वी तक जब चीनी क्रांति होती है उस समय तक मंचू शासक ये चीन में अपना राज्य करते हैं। मंचू शासक से पूर्व जो चीन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था तथा इस मंचू शासकों का जब शासनकाल आया तो उसके बाद में चीन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगा। चीन की जो पब्लिक थी, चीन की जो जनता है, ये मंचू शासकों के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, साथ ही चीन में की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही थी। इसके अतिरिक्त चीन में जो विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए जो चीन की जनता थी, चीन की जनता ने क्या किया कि 1911 में जो चीन की क्रांति प्रारंभ कर दी। तो छात्रों, चीन की जो क्रांति थी, चीन की क्रांति प्रारंभ होने का कारण क्या रहा, उसके कारण कोई एक कारण नहीं है, कई कारण थे जिसके कारण क्या हुआ कि चीन की क्रांति प्रारंभ हुई। इसमें जो प्रमुख कारण है छात्रों, वो इस प्रकार से मंचू राजवंश की का कमजोर होना, मंचू राजवंश का कमजोर होना। छात्रों, मैं आपको बता चुका हूं कि 17वीं शताब्दी में जो मंचू राजवंश द्वारा चीन में जो राज्य किया गया, राज्य करना, 17वीं शताब्दी में मंचू राजवंश द्वारा चीन में राज्य करना, और कब तक किया, 1911 ईस्वी तक ये राज्य करते रहे। इनके शासनकाल में जो चीन था, चीन हर दृष्टि से कमजोर हुआ, आर्थिक क्षेत्र में चीन पिछड़ चुका था तथा जो विदेशी व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए चीन में आए तथा धीरे धीरे इन विदेशी व्यापारियों ने, विदेशी देशों ने चीन में अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त कर ली तथा चीन को व्यापार में नुकसान होने लगा। तो ये जो मंचू राजवंश है, इनकी ये प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर थे, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर थे तथा आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर थे, अर्थव्यवस्था को ये सुधार नहीं पाए। चीन की जनता में जो असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष को ये दूर नहीं कर पाए, चीन में जो बेरोजगारी व्याप्त थी उस बेरोजगारी को ये दूर नहीं कर पाए, इसलिए क्या हुआ, 1911 में चीन की क्रांति प्रारंभ हुई। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो अगला कारण था, चीन में आर्थिक असंतोष। छात्रों, जो चीन में क्या था, आर्थिक असंतोष की भावना व्याप्त थी। कारण क्या था, बेरोजगारी में वृद्धि, खाद्यान्न का कम उत्पन्न होना, सूखा, बाढ़,
सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, जनसंख्या वृद्धि, अनाज उत्पादन में कमी, छात्रों चीन में आर्थिक असंतोष भारी मात्रा में व्याप्त था। क्यों? क्योंकि एक तो मंचू शासकों ने जो रोजगार के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया, उद्योगों को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरा खाद्यान्न की कमी आ गई, उत्पादन कम होने लगा। कारण क्या था कि प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, बाढ़, सूखा इस प्रकार पड़ने लगा, और नदियों में लगातार बाढ़ आने से जो फसलें चौपट हो गई, जिसके कारण अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा था, और दूसरा जो जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही थी। तो जनसंख्या जब बढ़ रही है तो जनसंख्या को खाने के लिए जो खाद्यान्न सामग्री चाहिए, तो खाद्यान्न सामग्री भी उत्पन्न नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ छात्रों कि चीन में आर्थिक असंतोष व्याप्त हो गया और 1911 की चीनी क्रांति प्रारंभ हो गई। इसके अलावा छात्रों विदेशी संपर्क एक कारण चीन की क्रांति का यह भी था, विदेशी संपर्क। छात्रों विदेशी संपर्क के अंतर्गत रोजगार की तलाश में चीन के लोग मलाया, जापान, अमेरिका, फिलीपींस, यूरोपियन देश में जाते थे, में जाना। चीन सम्राट द्वारा विदेश जाने पर रोक लगाना, जो चीन का सम्राट था छात्रों, उसने जो रोक लगा दी। छात्रों जो विदेशों से संपर्क हुआ लोगों का, रोजगार की तलाश में चीन के लोग मलाया, जापान, अमेरिका, फिलीपींस तथा यूरोपियन देशों में जाने लगे, और वहाँ पर जब गए तो वहाँ की उन्होंने चकाचौंध आर्थिक व्यवस्था को देखा, वहाँ के रहन सहन को देखा, वहाँ के उच्च जीवन स्तर को देखा। और उन्होंने जब ये वहाँ जाने लगे अधिक संख्या में, तो चीन के सम्राट ने इन लोगों को, जो चीन के लोग थे, चीन के लोगों को विदेश में जाने पर उन्होंने इसमें क्या किया, रोक लगा दी। और चीन की सम्राट द्वारा जब रोक लगाई गई तो लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया, और जो लोग विदेशों में गए थे धन कमाने के लिए, वो धन कमा के पुनः जब चीन में लौटे तो चीन के लोगों को उन्होंने यूरोपियन देशों का तथा जहाँ वो धन कमाने के लिए गए थे उन देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, उन देशों के रहन सहन के बारे में बताया। इसको देखकर, इसे सुनकर चीन के लोगों में क्रांति की भावना व्याप्त हो गई। 1911 की क्या हुई, क्रांति प्रारंभ हुई। पाश्चात्य क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव अगला जो कारण है छात्रों, पाश्चात्य क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। छात्रों जो चीन के छात्रों द्वारा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाना, शिक्षा प्राप्त करने जाना फ्रांस में अमेरिकाई क्रांति क
क्रांति। छात्रों, जो चीन के लोग थे, चीन के लोग व्यापार करने के लिए विदेशों में गए और चीन के जो छात्र थे विदेशों में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ जो उन्होंने साहित्य पढ़ा, वहाँ के जो विचारक थे उनके विचार पढ़े उन्होंने, तो इनके मन में क्रांति की भावना जागृत हुई। और जो फ्रांस व अमेरिका की क्रांति थी, फ्रांस व अमेरिका की क्रांति का जब इन लोगों को पता चला जो विदेशों में गए थे, इनको पता चला कि फ्रांस व अमेरिका की क्रांति जो स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए तथा बंधुत्व के लिए जो फ्रांसी क्रांति हुई थी, फ्रांसी क्रांति किसके लिए हुई छात्रों? स्वतंत्रता की भावना को लेकर, बंधुत्व की भावना को लेकर तथा समानता की भावना को लेकर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। अमेरिका की क्रांति थी उपनिवेश, अर्थात जो विदेशी जो आ चुके थे, विदेशी उपनिवेशों को बाहर निकालकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना से अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो चीन के लोगों ने भी देखा कि चीन में अमेरिका की तरह ही चीन में भी जो विदेशी जो देश हैं, विदेशी देश यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं, धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा रहे हैं, तो इनमें भी क्रांति की भावना जागृत हुई और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए जो फ्रांसी क्रांति की जब इन्होंने पढ़ा, फ्रांसी क्रांति के बारे में जब इन्होंने जाना, तो इन लोगों ने चीन में आके, इन चीन जो शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने चीन में आके लोगों को बताया कि जो फ्रांस की तथा अमेरिका की जो क्रांतियाँ हुई है, उन क्रांतियों के माध्यम से जो समाज को परिवर्तन किया गया, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में जो जबरदस्त परिवर्तन आया, तब जो चीन के जो लोग थे, चीन के लोग भी क्या है कि क्रांति की तरफ अग्रसर हुए। तो इस प्रकार से छात्रों, जो चीन के विदेशी जो छात्र थे, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, उन्होंने यूरोप के ज्ञान विज्ञान को बताया तथा जो फ्रांस की क्रांति को बताया, जिसके कारण क्या हुआ कि चीन में भी जो 1911 की क्रांति की भावना जागृत हुई। शिक्षा का प्रचार। छात्रों, जो 1911 की जो क्रांति हो रही है, 1911 की क्रांति में का एक कारण यह भी कि शिक्षा का प्रचार चीन की भाषा है उसी में जो ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता था, परंतु अब चीन में भी जो पश्चिमी देशों की भाषाओं में जो साहित्य का अध्ययन करवाया जाने लगा, पश्चिमी देशों की भाषा में शिक्षाएं प्रदान करने लगे की जाने लगी तथा जो छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में गए थे, जब उन्होंने वहाँ के साहित्य को पढ़ा, वहाँ के विचारकों को पढ़ा, वहाँ के क्रांतिकारियों को पढ़ा, तो उनमें भी क्या हुआ कि क्रांति की भावना उत्पन्न हुई। तो शिक्षा का प्रचार हो रहा था, शिक्षा के प्रचार के कारण क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना पनपी और राष्ट्रीयता की भावना पनपने के कारण क्या हुआ कि चीन की क्रांति प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार छात्रों, शिक्षा का भी जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान क्रांति में रहा। छापे खाने का उपयोग। छात्रों, छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण नवीनतम जो समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा, अच्छा साहित्य लोगों को पढ़ने को मिला तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन के कारण जो विश्व में जो घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं की जानकारी अब चीन के लोगों को प्राप्त होने लगी। तो समाचार पत्रों के माध्यम से अच्छा साहित्य पढ़ने के कारण क्या हुआ कि लोगों में क्रांति की भावना जागृत हुई। तो 1911 की जो क्रांति है, 1911 की क्रांति में छापे खाने का भी महत्वपूर्ण स्थान है। छापे खाने के कारण समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, अच्छे साहित्य का प्रकाशन शुरू हुआ तथा घर घर जो समाचार पत्र पहुंचने लगे, जिससे जो विश्व में होने वाली क्रांतियों की जानकारी, विश्व में होने वाले जो आंदोलन की जानकारी प्राप्त होने लगी और लोगों में लोकतंत्र की भावना जागृत हुई। मंचू सम्राट के जो भ्रष्ट तथा कुप्रशासन को समाप्त करके लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की जो राष्ट्रीयवादी भावना चीन के लोगों में जागृत हुई। तो इसके कारण क्या हुआ, छापे खाने का उपयोग के कारण भी 1911 की क्रांति को बढ़ावा मिला। अच्छा, तो इसके अतिरिक्त सामयिक कारण या सामयिक समस्या। छात्रों, सामयिक समस्या के अंतर्गत चीन की केंद्र सरकार
का कमजोर होना, चीन की केंद्र सरकार का कमजोर होना प्रांतों द्वारा, चीन की सरकार का विरोध, चीन की सरकार का विरोध प्रांतों द्वारा, चीन की सरकार का विरोध, विदेशों का बढ़ता हुआ प्रभाव, बढ़ता हुआ प्रभाव। छात्रों ये सामयिक कारण थे, अर्थात जो चीन की जो केंद्र की सरकार थी वो अत्यंत ही कमजोर थी, किसी भी प्रकार की वो सॉरी केंद्र की छात्रों जो केंद्र की सरकार थी चीन की वो अत्यंत ही कमजोर थी, और कमजोर जो सरकार थी, कमजोर सरकार जो प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही थी, तथा जो लचर प्रशासनिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, जिसके कारण चीन की जो जनता थी वो नाराज हो चुकी थी। साथ ही जो प्रांतों के अंदर जो स्थानीय सरकार थी वो भी केंद्र सरकार का लगातार क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, और विदेशों का प्रभाव जो चीन में बढ़ रहा था, विदेशी जो व्यापार करने के लिए आए थे परंतु विदेशियों का अब जो प्रशासन पर भी नियंत्रण होने लगा, तो ऐसे समय के अंदर जो चीन की जनता थी वो क्या कि नाराज हो गई। सामयिक समस्या क्या थी छात्रों, सामयिक समस्या के अंदर चीन की केंद्र सरकार का कमजोर होना, प्रांतों द्वारा चीन की सरकार का विरोध, विदेशों का बढ़ता हुआ प्रभाव, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों, जिसके कारण जो ये क्रांति प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों सैन्य असंतोष अक्टूबर 1911 में हेको में बम का फटना 10 अक्टूबर 1911 में बम का फटना इस जगह क्रांतिकारियों का केंद्र केंद्र था, इस जगह क्रांतिकारियों का केंद्र था। संदेह के आधार पर सैनिकों व सेना के अधिकारियों को बंदी बनाया गया। संदेह के आधार पर सैनिकों व सेना के अधिकारियों को बंदी बनाया गया। अतः बूचांग प्रदेश की सेना ने विद्रोह। छात्रों सैन्य असंतोष, सेना में चीन की जो सेना थी सेना में असंतोष व्याप्त था। कारण क्या था कि 10 अक्टूबर 1911 में हेको में एक बम फटता है। कहां पर फटता है? हेको नामक स्थान पर एक बम फटता है। इस जगह क्रांतिकारियों का केंद्र था। कहां था? हेको में क्रांतिकारियों का केंद्र था। संदेह के आधार पर पुलिस ने सैनिकों तथा जो सेना के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तब सेना ने क्या किया कि सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना ने कहा कि हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई हाथ ही नहीं है, फिर भी हमारे जो अधिकारी है तथा हमारे सैनिक उन्होंने आपने जबरदस्ती बंदी बना लिया। तो सेना ने क्या किया, बूचांग प्रदेश की सेना ने विद्रोह कर दिया। बूचांग प्रदेश की सेना का विद्रोह हुआ और ये चीनी क्रांति को भी बल मिला। तो इस प्रकार से क्या हुआ छात्रों कि 10 अक्टूबर 1911 में हेको नामक स्थान पर जो ये बम फटा, और बम फटने के कारण क्या हुआ कि जो पुलिस थी, पुलिस ने संदेह के आधार पर पुलिस के अधिक जो सेना के अधिकारी तथा सैनिकों को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में
बंदी बना लिया, बड़ी संख्या में बंदी बनाया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये भूचान प्रदेश की सेना ने क्या किया छात्रों, विद्रोह कर दिया। इसके अतिरिक्त छात्रों प्रवासी चीनियों का प्रभाव, जो ये क्रांति प्रारंभ हुई छात्रों, क्रांति में जो प्रवासी चीनी थे उनका प्रभाव, प्रवासी चीनियों का प्रभाव प्रवासी चीनियों का प्रभाव चीन की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर प्रवासियों का, चीन के लोगों का विदेशों में जाना यूरोपियन व अमेरिका की संपन्नता को चीन में आकर बताना, छात्रों जो प्रवासी चीनियों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा कि चीन की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही कमजोर थी, कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण रोजगार की तलाश में चीन के जो व्यक्ति थे, चीन के लोग कहाँ गए, यूरोपियन देशों में गए, अमेरिका में गए, वहाँ पर तथा वहाँ पर वो व्यापार करने लगे, वहाँ पर रोजगार किया उन्होंने तथा वहाँ से जो धन कमाया उस धन को कमाकर पुनः वो अपने देश चीन में जब लौटे तो चीन के लोगों को इन प्रवासी जो चीनियों ने बताया कि अमेरिका तथा जो यूरोपियन देश है उनका जीवन स्तर बहुत ही उच्च है तथा उनकी संपन्नता के बारे में बताया कि वहाँ उन देशों में कोई गरीब नहीं है, वहाँ पर सभी को रोजगार प्राप्त है तथा उनका रहन सहन अत्यंत ही जो उच्च स्तर पर है। जब ये चीज बताई तब चीन के लोगों में जो क्रांति के प्रति भावना अग्रसर हुई तथा 1911 की ये क्रांति प्रारंभ हुई। तो इसमें क्या था छात्रों की प्रवासी जो चीनी थे, प्रवासी चीनियों ने क्या किया कि आर्थिक स्थिति से परेशान होकर अर्थात चीन की अर्थव्यवस्था से परेशान होकर, क्यों, क्योंकि चीन में बेरोजगारी व्याप्त थी, चीन में भुखमरी व्याप्त थी, चीन में किसी भी प्रकार की इन्हें सुविधा प्राप्त नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ये यूरोपियन देशों में गए, अमेरिका तथा यूरोपियन देशों की इन्होंने जो जब वहाँ संपन्नता देखी, वहाँ की उच्च रहन सहन को देखा तो उससे ये प्रभावित हुए और जब ये लोग धन कमाकर पुनः अपने देश चीन में आए तो चीन के लोगों को अमेरिका तथा यूरोपियन देशों के जो रहन सहन के बारे में बताया, उनकी संपन्नता के बारे में बताया, वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, वहाँ पर बताया उन्होंने कि वहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, वहाँ रोजगार की भरपूर संभावना है। तो जब ये चीज बताई तो यहाँ जो चीनी शासकों के अत्याचार से, चीनी शासकों द्वारा लगाए गए टैक्सों से जो परेशान जनता थी चीन की, उनमें क्रांति की भावना व्याप्त हुई और 1911 ईस्वी में जो चीन की क्रांति प्रारंभ हुई। तो छात्रों इसके अतिरिक्त विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया छात्रों जो विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया छात्रों चीन में जो शासन था कौन सा शासन था, मंचू शासन, चीन के अंदर मंचू शासन था और ये मंचू शासन अत्यंत ही कमजोर था, प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर था तथा ये मंचू शासन के अंतर्गत चीन की जो अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी और चीन में जो विदेशी शक्तियां थी वो प्रवेश कर चुकी थी। चीन में इस समय जब चीन की क्रांति 1911 में होती है तो उस समय चीन में अमेरिका फ्रांस इंग्लैंड जापान
जापान। जैसे जो देश हैं छात्रों, ये जो देश व्यापार करने के लिए जो चीन में आए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने व्यापार को अपने कंट्रोल में कर लिया है तथा चीन को व्यापार के क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस समय जो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान तथा अन्य जो यूरोपियन देश है, ये जापान एशिया का देश है तथा जो रूस तथा जापान का प्रभाव भी चीन पर है, ये भी व्यापार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका है, फ्रांस तथा इंग्लैंड, जर्मनी तथा डच है, ये सभी लोग चीन में व्यापार कर रहे हैं तथा व्यापार करने के कारण क्या हुआ, चीन की जो स्वयं की जो आर्थिक स्थिति वो डगमगाने लगी। सारा का सारा जो लाभ है, सारा का सारा लाभ कौन ले गया, ये विदेशी देश से ले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि लोग परेशान है। तथा इसके अलावा जो मंचू शासन है, मंचू शासन अत्यंत ही कमजोर शासन है। और चीन तथा जब जापान में युद्ध होता है, किसमें युद्ध होता है, चीन और जापान का युद्ध, चीन में जापान का जब युद्ध होता है तो चीन में जापान के युद्ध में मंचू शासक जापान द्वारा पराजित हो जाते हैं। जब चीन की जनता देखती है कि जापान एक छोटा सा देश है और चीन वो विशाल देश है, परंतु जापान जैसे देश ने चीन को पराजित कर दिया है, जिसका जो उत्तरदायी जो जनता किसे ठहराती है, मंचू प्रशासन को उत्तरदायी ठहराती है। इसलिए जो चीन की जनता है, चीन की जनता मंचू शासन से परेशान हो चुकी है। साथ ही मंचू शासन के शासनकाल में जो विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान जैसी शक्तियां हैं, ये चीन में प्रवेश कर चुकी है और अपना व्यापार व्यवसाय कर रही है। और इनके व्यापार व्यवसाय करने के कारण चीन के व्यापार को भारी नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए छात्रों क्या हुआ कि 1911 की चीनी क्रांति प्रारंभ हुई। छात्रों इसके अलावा क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास होना, इसके अतिरिक्त जो चीन की जो क्रांति है उसका प्रमुख कारण है क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विकास होना। क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विकास। छात्रों डॉक्टर सन यात सेन ने तुंग मेई नामक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। डॉक्टर सन यात सेन द्वारा तुंग मेई हुई दल की स्थापना डॉक्टर सन यात सेन द्वारा तुंग मेंग हुई दल की स्थापना बॉक्सर विद्रोह 1900 ईस्वी के बाद क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना होना क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना होना बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्रांतिकारी दलों का निर्माण होना। छात्रों क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विकास अब हो रहा है। कारण क्या है कि मंचू सरकार है उसके कारण जो लोग अत्यंत ही परेशान हो चुके हैं। और 20वीं शताब्दी तक आते आते रहा था, प्रथम चरण मतलब 1911 ईस्वी 20वीं शताब्दी है, तो 1911 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ कि चीन के अंदर कई प्रकार के राजनीतिक संगठन स्थापित हो गए। जब डॉक्टर सन यात सेन द्वारा तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, ये इसका कारण, ये इसका उद्देश्य ये था कि क्रांति की जाए, जिसके कारण जो दुष्ट
जो मंचू शासन व्यवस्था है इससे मंचू शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। बॉक्सर का विद्रोह, 1900 ईस्वी में बॉक्सर का विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद में अनेक जो क्रांतिकारी संगठन जो चीन के अंदर स्थापित हो जाते हैं, साथ ही जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो क्रांतिकारी दलों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से चीन में क्या हो रहा है कि डॉक्टर सन यान सेन द्वारा तुंग मेंग हुई नामक दल की स्थापना की गई। बॉक्सर विद्रोह 1900 के बाद क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की गई और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्रांतिकारी दलों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विकास चीन में होने लगा। छात्रों, तो जो चीन की क्रांति थी, चीन की क्रांति का कारण क्या था कि 17वीं शताब्दी में जो मंचू शासक थे, मंचू शासकों ने क्या किया कि मंचू शासकों द्वारा 17वीं शताब्दी में जो चीन पर राज्य करना प्रारंभ किया गया और 1911 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, चीन पर राज्य किया।